مايا قصيده
मेरी घर सारी बता बना आप लोगों के सामने मैंने आज कहने जा रही हूं। जो बेटी अपनी ना मां ना पिताजी से कहते हैं ना भाई से कहते हैं, लेकिन आज मैं अपनी दिल की बात आप लोगों के सामने मैंने रख रही हूं। मेरी घर पत्नी है मोरंग किला और मेरे पिताजी का नाम राजा हरिनंदन सिंह है। मेरा भाई का नाम जोगा और भोगा सिंह है। मेरी नाम प्रेमा कुमारी है। मैंने 12 बरस मैंने माँ दुर्गा के मंदिर में तपस्या की हूँ, लेकिन मेरी दिल की बात आज तक मेरे दिल की बात मेरे घर के परिवार में से कोई नहीं सुना है। क्या मेरी दिल की बात सुनाती हूँ? आज मैं सारी बतावरण आप लोग के सामने मैंने रख रही हूँ। हे यो हमारा सा छोटी छोटी, हे यो पासई सासुरा, हमें ये अभागल बेटी बाबा के नादारिया। मेरी मन की अभिलाषा आज तक मेरी माँ दुर्गा मुझे पूजा नहीं की। पूजा करते करते मेरी हाथ की तलहट खिया गई है और सांझ बाती देते देते मेरी चुटकी खिला खिया गई है। लेकिन मन मेरी मन में अभिलाषा है कि जब भी मैं शादी करूंगी तो महवी किला में शादी करूंगी। कोई दूसरा राजा दूसरे राज का राजा मुझे पसंद नहीं, दूसरे किला का राजा मुझे पसंद नहीं, सिर्फ महवी किला का राजा एक राजा है। उस राजा से मैंने शादी करने के लिए हर हमेशा मैंने माँ दुर्गा के मंदिर में पूजा करती आ रही हूँ, लेकिन आज आज तक मेरी मन की अभिलाषा मन की मनोकामना मेरी पूरा नहीं हुई है। ठीक है, मुश्किल देर और कुछ दिन तक और मैं माँ दुर्गा की पूजा करती हूँ। अगर माँ दुर्गा दर्शन नहीं दी या माँ दुर्गा कोई रास्ता मुझे नहीं निकाली तो मैं खुद ब खुद अपने आप को हत्या कर लूंगी। मैं ना माँ से कहूंगी ना मैं अपने पिताजी से कहूंगी कि मेरी शादी करवा दीजिए। कौन ऐसी लड़की है जी माँ अपने पिताजी से कहे कि माँ मेरी शादी करवा दे? लेकिन मैं इतनी बर्दाश्ती हूँ, बर्दाश्त करते करते मेरी आज मैं बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हूँ, क्योंकि प्रेम के बस में भगवान रहते हैं। भगवान आज मेरी अर्जी अगर पूरा नहीं किए तो मैं खुद ब खुद आज मैंने जल करके मर जाऊंगी। मैंने बैठ प्रेम महल चली जा I'm not
رحمار يا كابي उदासी के बगैर देवा नहीं जी सकता है कहना तो बिल्कुल ठीक है भैया बहादुर हां तुमको हमने किस लिए बुलाया है क्या बात है सबसे पहले तुम पत्रा उतारो और पत्रा में देख कि कौन देश का राजा महाराजा मोगल पठान अपने राज में मेला लगाया है या कौन सा जंगल में शेर उपज लिया है चल करके देखेंगे पत्रा देखिया हां बहादुर भैया पत्रा तो छूट गला कहां छोड़ दिया खरिया रहेगा कहां खरिए भैया की करबो छूट गेले त हम ओहिनो देख लबो भागल पर काफर ने शुरू कर देलो या पात्रा साथ में रहने का सामान है या पात्रे घर में रहने का सामान है अच्छा मरत बतायो नी हम बोल दबे सबसे पहले बहादुर तुम काशी जी में देखो की कहलिए काशी जी में भैया हां काकी जी का अबे बहादुर हम कहते काशी तुम काकी बनाता है सुना साहब ऐसे बोलो कि भाई साहब सुना पर सुना था चलो प्रयाग में देखो कहता कहलो प्रयाग में प्रयाग में हे या देखे छिए भैया पटकुनिए सब पारने था भागल मूर्ख कही का हम बोले प्रयाग में देखो तो जमीन पर पड़ करके दिखा रहा है भैया सुनो साहब अयोध्या धाम में देखो की कहलो अयोध्या धाम भैया क्या है वो भी तोरा सुना छ सुना पर है हां चलो मेथरा में देखो हां है ना बताओ ना मेथरा मेडिकल टू और रह गला मेथरा मेडिकल टू सहरसा सहरसे में रह गले क्या बोला मेथरा मेडिकल टू सहरसा कहलिए भासे के महाराज के पेट उठ घर ए मजा कर रहा छोड़ दे ले तो बहुत मार मारेंगे सही से देख अपना अस्त्र से देख कि कहां का जत्रा बनता है भैया सुनो छाया आपका हम बतबे छिया चलो बताओ भैया आज बहुत खुशी की बात है उसका वर्णन नहीं है किसका वर्णन नहीं है पृथ्वी जवान ने पत्थर तोड़ तोड़ के मेला लगाया है क्या पृथ्वीराज चौहान हां मां गंगा में पत्थर तोड़-तोड़ करके मेला लगाया मेला लगाया है हर वो मेला मस्सी हाथ का झूला लगाया है कहते इसके बेस्या बंगाली छतरी मंगाया है सबको मेला देखने के लिए हां लेकिन साला 51 किला टीका दिया छोटा छतरी समझ के राजमापा में टीका नहीं दिया हां नहीं दिया है ऐसा कर बहादुर हां मेला जाने के पहले भाभी को बुला करके और भाभी से मेला जाने का ऑर्डर ले लेते फिर मेला चलेंगे भाभी से ऑर्डर लेना पड़ेगा हां जब तक भाभी से ऑर्डर नहीं लेंगे तब तक मेला नहीं जाएंगे अच्छा कहना बोलैया प्यार से बोला भाभी को प्यार से की कहलो आराम से प्यार से बोला आराम से हां मैया बसुन ले सोना हे सुमार आयो बाप बेहुदा अपना बुला करके अपने सुन लिया अरे भाई यहां तू ही देखा लोगे आराम से परम तक मूर्ख काय का जोर से आवाज लगा जोर से ठीक है मारो हां बोलो बाप रे आ
जी हाय दे बाजी किसलिए मैं दरबार में बुलाया हूं तुझे मालूम है देवर जी सबसे पहले अपने जंगल की कुशल कहिए कितना दिन जंगल में गुजारे तो कैसे किए भाभी जी मेरा जंगल का समाचार तो बिल्कुल ठीक ठाक है तुम अपने महल का समाचार तो मुझे कह करके सुना दो मेरी महल की समाचार भी बिल्कुल ठीक है समाज की कृपा से शिव गुरु की दया से बाबा दीना बद्री की दुआ से बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना भैया कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाभी जी आदमी जी मैंने तुझे दरबार में किसलिए बुलाया हूं क्यों बुलाया हूं किसलिए बुलाया
भाभी जी आज जंगल में हम और देवा सोया हुआ था और अचानक माँ दुर्गा ने मुझे सपना दिखाई कि बेटा बाबू रुद्र सिंह दिल्ली करके राजा पृथ्वीराज चौहान माँ गंगा में पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया है। अच्छा और वह मेला मासिया हाथ का झूला लगाया है, देश का पेशिया बंगाली मोगल पठान सभी मेला जाता है और मेला से वापस लौट के अपने घर आता है। भाभी मैंने इसलिए तुझे दरबार में बुलाया हूँ कि तुम मुझे मेला जाने का ऑर्डर दो, हम और देवा पंडित दोनों मेला जाएंगे और मेला से वापस आएंगे। आ जाएंगे। तो माँ दुर्गा ने आप लोगों को सपना देखा कि दिल्ली घर की चौहान ने दिल्ली घर में पत्थर तोड़ तोड़ कर मेला लगाया, सियात की झूला लगाया, हर देश की छतरी मोगल पठान बेशिया बंगाली डोरहांग में मेला देखने के लिए जाती है और मेला में घूमती है फिरती है, नाश्ता वगैरह खाना खाती है, अपने घर को लौट कर वापस चले जाते हैं। आ जाएंगे फौरन आ जाएंगे। दीवार एक बात बताऊं, कोई इंसान अगर कोई जग प्रयोजन करते हैं, कोई शादी विवाह मुंडन करते हैं तो समाज को निमंत्रण देते हैं खाना खाने का, और जिस व्यक्ति को खाना का निमंत्रण नहीं मिलता है तो उस दरबार में सभा में मोड़ कर देखना भी गुनाह है। भाभी जो निमंत्रण देता है उसका निमंत्रण बाबू रुद्र सिंह स्वीकार नहीं करता है, जो निमंत्रण नहीं देता है उसके दरबार बाबू रुद्र सिंह चढ़ करके सीना को ठोक करके चलता है, भोजन करता है। बगैर निमंत्रण का भोज खाना या भात खाना छतरी अगर जो पाजी टीका देता है उसको मेला नहीं जाते हैं, जो बेहुदा का महापर्व में टीका नहीं दिया है मेला मुझे जाना जरूरी है। चल जा यहाँ ऑर्डर दिया देवे ने करवे टीका से मतलब भाई साहब को है, टीका से मतलब बाबू रुद्र सिंह को नहीं है। यहाँ टीका दियो अभी ऑर्डर दियो मैं मंगा लिया मैं लगा लो लालिसा भाभी देवरा के जा मेला है के खाइले भाभी जी जय बैका Let's get it.